जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक ही स्थान पर इकट्ठे थे। तभी अचानक वहां आकाश से भयंकर आंधी का शब्द आया और जिस घर में वे बैठे थे उसमें भर गया और आग की फैलती लपटों जैसी जीभें वहां सामने दिखाई देने लगीं। वे आग की विभाजित जीभें उनमें से हर एक के ऊपर आ टिकीं। वे सभी पवित्र आत्मा से भावित हो उठे और आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ्य के अनुसार वे दूसरी भाषाओं में बोलने लगे। वहां यरूशलेम में आकाश के नीचे के सभी देशों से आए यहूदी भक्त रहा करते थे। जब ये शब्द गरजा तो एक भीड़ एकत्र हो गई। वे लोग अचरज में पड़े थे क्योंकि हर किसी ने उन्हें उसकी अपनी भाषा में बोलते सुना। वे आश्चर्य में भरकर विस्मय के साथ बोले, ये बोलने वाले सभी लोग क्या गलीली नहीं हैं? फिर हम में से हर एक उन्हें हमारी अपनी मातृभाषा में बोलते हुए कैसे सुन रहा है? वहां पार्थी, मेदी और अलामी, मेसोपोटामिया के निवासी, यहूदिया और कप्पदूकिया, पुंतुस और एशिया, फ्रूगिया और पंफूलिया, मिसा और साइरीन नगर के निकट लीबिया के कुछ प्रदेशों के लोग, रोम से आए यात्री जिनमें जनजात यहूदी और यहूदी धर्म ग्रहण करने वाले लोग, क्रेती तथा अरब के रहने वाले, हम सब परमेश्वर के आश्चर्यपूर्ण कामों को अपनी अपनी भाषाओं में सुन रहे हैं। वे सब विस्मय में पढ़कर भौचक के हो आपस में पूछ रहे थे, ये सब क्या हो रहा है? किंतु दूसरे लोगों ने प्रेरितों का उपहास करते हुए कहा, ये सब कुछ ज्यादा ही नई दाखरस चढ़ा गए हैं। फिर उन ग्यारहों के साथ पत्रस खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में लोगों को संबोधित करने लगा, यहूदी साथियों और यरूशलेम के सभी निवासियों, इसका अर्थ मुझे बताने दो। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। ये लोग पिए हुए नहीं हैं, जैसा कि तुम समझ रहे हो, क्योंकि अभी तो सुबह के 9 बजे हैं। परमेश्वर कहता है, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं सभी मनुष्यों पर अपनी आत्मा उनरेल दूंगा। फिर तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करने लगेंगे तथा तुम्हारे युवा लोग दर्शन पाएंगे और तुम्हारे बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे। हाँ, उन दिनों मैं अपने सेवकों और सेविकाओं पर अपनी आत्मा उनरेल दूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत कर्म और नीचे धरती पर चिन्ह दिखाऊंगा, लहू, आग और धुएं के बादल। सूर्य अंधेरे में और चांद रक्त में बदल जाएगा। तब प्रभु का महान और महिमा में दिन आएगा और तब हर उस किसी का बचाव होगा जो प्रभु का नाम पुकारेगा। हे इसराइल के लोगों, इन वचनों को सुनो। नासरी यीशु एक ऐसा पुरुष था जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे सामने अद्भुत कर्मों, आश्चर्यों और चिन्हों समेत जिन्हें परमेश्वर ने उसके द्वारा किया था तुम्हारे बीच प्रकट किया। जैसा कि तुम स्वयं जानते ही हो, इस पुरुष को परमेश्वर की निश्चित योजना और निश्चित पूर्व ज्ञान के अनुसार तुम्हारे हवाले कर दिया गया और तुमने नीच मनुष्यों की सहायता से उसे क्रूस पर चढ़ाया और कीले ठुकवा कर मार डाला। किंतु परमेश्वर ने उसे मृत्यु की वेदना से मुक्त करते हुए फिर से जिला दिया, क्योंकि उसके लिए यह संभव ही नहीं था कि मृत्यु उसे अपने वश में रख पाती।